नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ काजल। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए तीनों काले कृषि कानूनों के विरुद्ध आंदोलन पर बैठे किसानों की आवाज को और अधिक बल देने के लिए आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में किसान मजदूर खेत बचाओ यात्रा का आयोजन करने जा रही है। इसकी जानकारी संवाददाता सम्मेलन में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और हरियाणा सह प्रभारी डॉक्टर सुशील गुप्ता ने दी। यात्रा कहां से शुरू और कहां समाप्त होगी, उन्होंने बताया कि यात्रा 5 सितंबर को जाट शिक्षण संस्थान में स्थित चौधरी छोटूराम जी के स्मारक पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के उपरांत रोहतक से सुबह 9 बजे से शुरू होकर गांधी आश्रम पलवल में 13 सितंबर को समाप्त होगी। हरियाणा के सभी विधानसभाओं और जिलों से 8 दिनों में करीब 4000 किलोमीटर के रास्ते से गुजरेगी। यात्रा का नेतृत्व हरियाणा के आप सह प्रभारी और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता करेंगे। उनके साथ कई सांसद, विधायक और जिला पंचायतों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। चंडीगढ़ से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। किसान मजदूर खेत बचाओ यात्रा का ऐलान किया है, आखिर इस यात्रा की क्यों नौबत आई, क्या जरूरत पड़ी, इस मसले पर बातचीत करने के लिए हरियाणा की आम आदमी पार्टी के प्रभारी और राज्यसभा सदस्य सुशील गुप्ता हमारे साथ मौजूद है। गुप्ता जी, क्या नौबत आई कि आपको यात्रा निकालनी पड़ी? 9 महीने में बच्चा पैदा हो जाता है, किसान लोग 10 महीने होने को आगे बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं, सरकार कुछ सोचने के लिए तैयार नहीं है। हरियाणा सरकार लाठीचार्ज कराती है, आतंकवादियों जैसा व्यवहार के साथ करती है, सिर फुड़वाती है। और अब यहाँ पे जब खट्टर साहब का पेट नहीं भरा तो इन्होंने ऑर्डर निकाल दिया कि इनके खेत छीन लो। सबसे पहले ऑर्डर निकाला कि श्यामला दे, श्यामला दुपाना, श्यामला ठोले की जमीन सरकार के नाम कर दी जाए, किसानों को एक रुपया देने की जरूरत नहीं है। फिर इन्होंने ऑर्डर निकाला कि अडानी अंबानी जैसे परिवारों को अगर जमीन की जरूरत पड़ती है तो कानून में संशोधन किया है 24 अगस्त को कि भाई 70% किसानों की सहमति की जरूरत नहीं है, हरियाणा अडानी और अंबानी को जमीन पसंद आएगी, खट्टर साहब एक्वायर करके देंगे, किसान रोता रहो चाहे पिटता रहो। तो ऐसे जब कानून बनेंगे तो देश की जनता का हक बनता है कि हम इन किसानों के साथ खड़े हों। तो किसान इतने दिन से परेशान हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी शुरू वाले दिन से सड़क से लेकर संसद तक किसानों के साथ थे। अब हमने तय किया है कि हम किसान मजदूर खेत बचाओ यात्रा की शुरुआत करेंगे, 5 सितंबर से करेंगे। इसमें लगभग 4000 व्हीकल भाग लेंगे, 50000 लोग भाग लेंगे, 90 की 90 विधानसभाओं में। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।